लेकिन ये बात भी सच है ना कि दीपावली में मौजूदा जिस तरह का माहौल है, देखिए अयोध्या तो हम लोग बचपन से जाते रहे हैं, बोलने दीजिए वहां पर कि नहीं, बोलने नहीं दीजिए, आप सुनिए अयोध्या की स्थिति। वहां पर कोई विकास का काम नहीं हुआ करता था, वहां की सड़कें कितनी संकरी थी, कितनी गंदगी वहां पर फैली रहती थी, ये तो हमने अपनी आंखों से देखा है। तो अब जब काम किया है, आप ये बात सच है कि आप लोगों ने वहां पर जीत हासिल की है, लेकिन बीजेपी की सरकार में जो कामकाज हुआ है उसको कैसे नकार सकते हैं? तो प्रभुराम जानते हैं ना कि कौन है जो जनता की सेवा कर रहा है, कौन है जो सच्चे मन से हमें मानता है, कौन है जो सच्चे मन से हमारी पूजा करता है, कौन है जो मेरे बच्चों के बारे में सोच रहा है, कौन है जो मेरे बच्चों को तकलीफ होती है तो उनके दर्द में बांटने के लिए आता है, कौन है जो मेरे हमारे जो यहाँ पे छोटे छोटे बड़े बड़े जो बच्चे हैं, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, कौन उनके दुख दर्द में खड़ा होता है। इसलिए प्रभुराम ने मुझे आशीर्वाद दिया, ये उसकी बात कर ही नहीं सकते। दूसरी बात, ये तो ऐसी बातें करते हैं जैसे दिवाली 2014 के पहले दिवाली होती नहीं थी, होली होती नहीं थी या दुर्गा पूजा होती नहीं थी। अरे भव्य पूजा हुआ करती थी, लेकिन आपने जब से आप आए हो आपने उस पर राजनीति शुरू कर दी है। आप राजनीतिकरण करना चाहते हो, प्रभु का राजनीतिकरण करना चाह रहे थे, इसलिए प्रभु ने कहा धर्म राजनीतिक विषय नहीं है, इसलिए आपको अयोध्या में हराया। फिर भी नहीं समझ पा रहे हो, आ तो अयोध्या आ रहे हो, प्रभुराम आपको पूरा उत्तर प्रदेश हराने वाले हैं, आप चिल्लाते रहिए, बटेंगे तो कटेंगे। प्रभुराम ने कहा कोई बटेगा कटेगा नहीं, सब मेरे बच्चे हैं, सब हिंदुस्तानी उत्तर प्रदेश के देश के लोग हैं, ये सब एक साथ डट के रहेंगे और आपको सत्ता से हटाएंगे। राकेश जी देखिए, मुगालता कैसे होता है उसका उदाहरण मंच पर दिखेगा। 2014 में हारे, 2017 में हारे, 2019 में हारे, 2022 में हारे, अरे 24 में भी अरविंद को जगाइए, कोई इन्हें बताइए कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। अरे भाई 24 में भी मोदी जी जीते हैं, 24 में भी भाजपा जीती है, अखिलेश प्रधानमंत्री बने हैं, अखिलेश प्रधानमंत्री बने हैं, आपके सपने टूट गए हैं। जागिए, जागिए अनुराग भदौरिया, जागिए, जागिए, जग करके देखिए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, इसलिए आपके सपने टूट गए। मैं जानता हूँ झटका लगा है, आप बड़ी विजय बैठे थे कि सत्ता आएगी, कुछ भत्ता मिलेगा, कुछ मलाई मिलेगी, लेकिन ना सत्ता आई ना भत्ता मिला ना मलाई मिली, तो पीड़ा पहुंची है। मैं जानता हूं इस पीड़ा में इस तरह से चीखना चिल्लाना वाजिब है, लेकिन इसका इलाज इस तरह से नहीं होता है। आप इसके लिए जनता के बीच में, 43 जनता के बीच में जाकर के काम करिए। देखिए 43 घर रखते रहिए, आप रखते रहिए, 33 रखते रहिए, ऐसे ही रखते रहेंगे और हम सत्ता ऐसे ही बनाएंगे, हम जनता के बीच में काम करते रहेंगे। अगर अगर आपने जनता के बीच में काम किया होता ना, जनता सत्ता बनाई होती, सत्ता बनाई होती। ये कौन सा जनता का आशीर्वाद है कि दिल्ली में जाके विपक्ष में ही बैठना पड़ा है संसद के अंदर? मतलब इतना ढोल बजा के बताया जा रहा है जनता का आशीर्वाद है, लेकिन दिल्ली की जिस गद्दी के लिए लड़ाई थी वहां तो विपक्ष में ही बैठे हैं। अनुराग भदौरिया जी आपकी बात बिल्कुल सच है, लेकिन 10 सालों का उनका शासन था, आपको तो उखाड़ फेंकना चाहिए था। आपको वो दो बार 5 सीटों पर लेकर आए थे, बीजेपी को 5 सीटों पर लेकर आना चाहिए था, तब माना जाता कि आपने जीत हासिल कर ली। आप चिंता मत कीजिए, अभी 33 पे आए ना, 3 पे आएंगे। हाँ, इनके जो कर्म है उन पे 3 पे आ जाएंगे। अरे पहले इनका जो कार्य दिखाई पड़ रहा है ना चारों तरफ उत्तर प्रदेश और देश में, 43 एकदम जोश से भर दिया है बिल्कुल, और इनका 240 किसी काम का नहीं है, जनता ने भरा है, इनका 240 किसी काम का नहीं है। इनके पास नहीं है तो क्या बेचारे आप खिसियाते रहिए, एक तो ये इतनी मिमिक्री करने लगे हैं, कर रहे हैं। अब प्रभु राम का आशीर्वाद मुझे मिला है, अब ये खिसिया रहे, अरे प्रभु राम का आशीर्वाद है, अब लो करते रहो, हमें कुछ नहीं चाहिए। मिमिक्री अलग से सीख तो नहीं रहे हैं, मिमिक्री नहीं है इनकी, तकलीफ देखिए इनको, पता गले से पेट से, नहीं हम जीते। अरे प्रभु राम का आशीर्वाद हमें मिला, प्रभु राम ने अयोध्या हमें जीता। मुझे लग रहा है कपिल शर्मा को ये बहुत बड़ी टक्कर दे रहे हैं, अनुराग जी कपिल शर्मा को बहुत बड़ी टक्कर देने वाले लग रहा है, जनता आपको देख के लग रहा है, जनता का आशीर्वाद है जो ताकत आएगी ना, जिसके पास प्रभु का आशीर्वाद हो, जनता का आशीर्वाद। अरे अनुराग भदौरिया जी, मेरा ये सवाल है, ये बात सच है, समाजवादी पार्टी ने कमाल का प्रदर्शन किया, 37 सीटें जीती, इनकार नहीं किया जा सकता है। मेरा ये सवाल है, दिल्ली की गद्दी से जिसको आप हटाना चाहते थे, भाई गद्दी पर वही विराजमान है तो, और यहाँ पे खुश होते रहे, मिमिक्री करते रहे हम। 240 मतलब आपको कितनी सीटें जरूरत, 32 सीटें आपने जुगाड़ से बनाई है। बैसाखी कब खसक जाए पता नहीं, बिल्कुल बैसाखी कब खसक जाए पता नहीं। हाँ। जुगाड़ बनाते घूमते रहिए, और हम जुगाड़ से नहीं पूरी बहुमत से सरकार बनाते हैं, इनकी तरह बैसाखी पे नहीं चलते हैं। कब उत्तर प्रदेश में भी जीते हैं तो इनसे 10 सीटें ज्यादा जीते हैं, कब बनाएंगे, और आगे भी जीतेंगे तो इनसे, इनको पूरी तरह 3 पे ला देंगे। एक ही बार तो 2012 में आपको प्रचंड बहुमत मिला, आंकड़ा तो सही तरीके से बोलिए, कम से कम भ्रम में नहीं रखते हैं, भ्रम में नहीं, वो भी बोला है 2012 में आपको बहुमत मिला, 203 में से, ये तो अभी आया 2017 में। ठीक है राकेश जी, लेकिन ये बात तो सच है ना, अयोध्या का मामला आप लोगों के लिए मतलब बड़ा, किसी भी मंच पर जाइए मुंह उस मामले पर लटकाना पड़ता है, इतना कामकाज किया फिर भी वहां की जनता ने नकार दिया। देखिए एक बात मैं स्पष्ट तौर पर कहूंगा,
चुनाव में जीत और हार होती रहेगी। क्या बात है। अयोध्या के विकास को लेकर के हमने जो काम किया है, हम इस काम में संलग्न रहेंगे। परिणाम पराजय का हो तो भी, जय हो या पराजय हो, हम जनता के विकास के साथ सतत जुड़े रहेंगे। हमने अयोध्या को अपने कमिटमेंट के साथ जोड़ने का काम किया है। अयोध्या राम जन्मभूमि है और राम जन्मभूमि की उपेक्षा किसी की नहीं हो सकती है। लेकिन आज बड़ा अच्छा लग रहा है देख करके कि जो रामद्रोही थे, जो राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले थे, वो अपनी हर लाइन में प्रभुराम 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 परिवर्तन हुआ है। प्रभु राम का मंदिर बनने के बाद लेकिन अखिलेश जी काश के दर्शन करने गए होते। अरे मैंने कहा प्रभु राम का आशीर्वाद मिला है, परेशान मत होइए। अगर कोई दरगाह बनी होती तो चादर चढ़ाने पहुंच गए होते, इनके पास लेकिन अखिलेश जी अब तक मंदिर का दर्शन करने के लिए नहीं जा पाए हैं। ये अखिलेश यादव जी की सच्चाई है। अब तो अयोध्या प्रभु श्री राम ने आप लोगों को जिता दिया, क्यों नहीं जाके दर्शन कर ले रहे हैं? इनका दर्द देखिए, दर्शन क्यों नहीं कर रहे हैं? प्रभु राम की बात होगी तो दरगाह भी ले आएंगे, क्योंकि इनका दर्द देखिए। अब परेशान इसलिए हैं क्योंकि आप किसी तरह से, अरे 500 सालों के बाद ये मौका आया तो श्रीराम का आशीर्वाद मिला किसको? क्योंकि हम सच्चे सेवक है ना, सच्ची उनकी आराधना करते हैं ना, सच्ची पूजा करते हैं ना। ये पूजा अगर सच्चे दिल से कर रहे होते, नहीं नहीं, प्रभु राम को अगर इन्होंने उनके प्रभु राम के आदर्शों को माना होता तो शायद इनको ऐसा दिन ना देखना पड़ता। प्रभु राम के आदर्शों को हम मानने वाले लोग हैं। कौन सा आदर्श मानकर आप चुनाव में गए? कौन सा प्रभु राम? सत्य बता देता हूँ, बता देता हूँ। प्रभु राम बताओगे? अरे सुनिए, हमेशा अनुराग भदौरिया, हमेशा जोड़ने की बात होगी। अपने पिता को सत्ता से हटाने का काम किया था, प्रभु राम की आदर्श नहीं हो सकते थे। प्रभु राम की बात की दशरथ के नाते होने पर, जो हमारे साथ जो तोड़ने की बात करते हैं, राजा दशरथ के नाते पर वनवास पर चले गए, ठीक है, मुलायम करने वाले लोग ठीक है, इनको सुन लेते हैं, इनको सुन लेते हैं। का काम किया था आपने, उनकी पार्टी छीन लेने का काम किया था, बस निर्वाचन जाकर प्रभु राम ने हराया उस पर। आप प्रभु राम की मर्यादा को मान रहे होते, ये ना हुआ होता। ये देखिए, डर प्रभु राम की मर्यादा मानने का आप पर कोई अधिकार नहीं है। प्रभु राम के आदर्शों पे चल रहे होते तो इतना झूठ और जुमला नहीं बोलते। प्रभु राम के आशीर्वाद चल रहे होते तो गिना रहे होते रोजगार के बारे में। प्रभु राम का आशीर्वाद इतना ही मिलता तो दिल्ली की सत्ता से कितने किसानों की मौतें हुई, हमने उत्तर प्रदेश के आज हर जिले किसानों की मौतें हुई, हमने सर्वांगीण विकास के बारे में किसानों की मौतें हुई, हमने उत्तर प्रदेश के किसानों की मौतें हुई, किसानों प्रभु राम के बच्चे थे, प्रभु राम के बच्चे थे, जो धरने पे जिनकी मौतें हो गई और आज मुंह से उप तक नहीं निकला, कैसे आपको आशीर्वाद मिलेगा? छोड़िए, बात करने का अधिकार भी नहीं, सम्मान नहीं कर पाते, किसानों का सम्मान नहीं कर पाते, युवाओं का सम्मान नहीं कर पाते, लंबी लंबी बातें करते हो तभी हार मिलती है आप। चलिए ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।